नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नॉनस्टॉप नॉलेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का धांसू वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया हु वाज गिवन एन आधार आइडेंटिटी नंबर। तो भैया उस आदमी का नाम या उस वुमेन का नाम बताना है जिसे सबसे पहले आधार पहचान संख्या दी गई थी। आपका आधार कार्ड बना हुआ है, मेरा भी बना हुआ है, लेकिन सबसे पहले किसका बना था? अजय पांडे का बना था, संजना जी का, अतुल रॉय पांडे का, या रंजना सोनावाने का? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रंजना सोनावाने का। अब ये कहाँ से बिलोंग करती थी? टेम्बली गांव से बिलोंग करती थी, जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र के एक डिस्ट्रिक्ट में है। अब सबसे पहले आधार स्कीम लॉन्च कब हुई थी? सितंबर 2010 में। जी हाँ दोस्तों, अब आपके आधार कार्ड में डिजिट कितनी होती हैं? तो 12 नंबरों की एक संख्या होती है, और एक ऐसे एक आधार वर्चुअल आईडी भी होती है। अगर आप बाई चांस आधार नंबर भूल जाते हो तो इससे आपका आधार कार्ड निकाला जा सकता है, जो कि 16 डिजिट की होती है। अब जो आधार कार्ड बनाते हैं या इसका डाटा कलेक्ट करते हैं वो कौन होता है? तो भैया सरकार ने एक नया संस्थान लॉन्च किया था जिसका नाम है UIDAI, जिसका पूरा नाम होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बैंक हैज इंट्रोड्यूस फर्स्ट ATM इन इंडिया। तो उस बैंक का नाम बताना है जिसने सबसे पहले इंडिया में ATM शुरू किया था। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन है SBI, ICICI, HSBC, RBI। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों ना तो ये SBI बैंक है ना ही RBI बैंक है, ये बैंक है ऑप्शन नंबर सी, HSBC। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सा बैंक है, तो डिटेल में बात करते हैं। इस बैंक ने स्टार्टिंग कब करी थी ATM की? 1987 में मुंबई में करी थी। अब इसका पूरा नाम बात करते हैं, HSBC यानी द हांगकॉन्ग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा भैया, इसकी ब्रांचेज हैं 64 कंट्रियों में भैया, 64 कंट्रीज में। इसने सबसे पहले अपना काम स्टार्ट कब किया था? 3 मार्च 1865 में। इसका हेडक्वार्टर है हांगकांग में, इसके फाउंडर हैं थॉमसन सुदरलैंड। ATM की फुल फॉर्म आप सभी जानते होंगे, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM वही है दोस्तों जिससे आप आसानी से पैसे निकाल सकते हैं बिना बैंक में गए। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज द डेजर्ट एडजोइनिंग द थार डेजर्ट कॉल्ड इन पाकिस्तान? तो जिसे हम थार डेजर्ट बोलते हैं उसको पाकिस्तान में क्या बोलते हैं? गोभी बोलते हैं, चोलिस्तान, सुक्कर या मीरपुर? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चोलिस्तान। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे उसको चोलिस्तान बोला जाता है। बात करें डिटेल में, इसको स्थानीय भाषा या वहाँ के जो लोग हैं क्या बोलते हैं, रोही भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोला जाता है। और ये एक नेचुरल बाउंड्री फाउंड करता है किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अगर वर्ल्ड की कंप्लीट बात करें तो भैया 20वें नंबर का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है। अब आप पूछेंगे कि पहले नंबर पर कौन है, तो आपको बता दूं अंटार्कटिक डेजर्ट पहले नंबर पर है। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि भैया सारा कौन से नंबर पर है, तो वो है 3रे नंबर पर वर्ल्ड में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, विच इज कॉल्ड द सिटी ऑफ डेस्टिनी? तो जो भाग्य का शहर है वो किसे कहा जाता है, गोवा को, विशाखापट्टनम को, कोलकाता को, या मुंबई को? अब आप किसे टिक करना चाहेंगे दोस्तों? तो मैं जा रहा हूँ ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम इज द राइट आंसर। विशाखापट्टनम के और भी नाम है, जैसे विजैग हो गया, वाल्टेयर भी हम इसी को बोलते हैं, लेकिन विजैग को जरूर ध्यान रखिएगा भैया, काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है कि किस शहर का नाम है। अब यहाँ पे ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर भी है यहीं पे। और बात करें, इसको एक निकनेम और दिया गया है विशाखापट्टनम को, द जेवेल ऑफ द ईस्ट कोस्ट। और कहाँ की सिटी है भैया, आंध्र प्रदेश की है। कैपिटल क्या है आंध्र प्रदेश की? अमरावती है। यहाँ टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 26 हैं। CM और गवर्नर की बात करते हैं, YS जगमोहन रेड्डी यहाँ के CM हैं। आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं यानी राज्यपाल, वो हैं बिस्वाभूषण हरिचंदन। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, हु अमोंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज गांधी ऑफ बिहार? तो बिहार के गांधी के नाम से हम किसे जानते हैं? ऑप्शन 1 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबू कुंवर सिंह, जयप्रकाश नारायण, या अब्दुल गफूर खान? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम गांधी ऑफ बिहार कहते हैं। बात करें भारत के पहले राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट थे 1950 से लेकर 1962 तक, इसको हम राजेंद्र बाबू के नाम से भी बुलाते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी की अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो इंडियन कांग्रेस थी। इनको एक अवार्ड भी दिया गया था जो कि भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है यानी भारत रत्न, वो 1962 में इनको दिया गया था। अब बात करें जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के, वो कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, जो बाद में चल के प्रेसिडेंट भी बने थे। और ये पहले मिनिस्टर थे किसके? फूड एंड एग्रीकल्चर के, 1946 में। डिटेल बात करें अगर प्रेजेंट में, प्रेजेंट तो
प्रेसिडेंट कौन है भैया इंडिया के, वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वाइस प्रेसिडेंट हाल ही में बने हैं, हालांकि प्रेसिडेंट भी हाल ही में बनी थी, तो आप मुझे वाइस प्रेसिडेंट का नाम बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स नोबल प्राइज इज नॉट गिवन। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन से में नोबल प्राइज़ नहीं दिया जाता, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री या मेडिसिन। तो ये तो आप ज़रूर जानते होंगे भैया, मैथमेटिक्स में कोई भी नोबल प्राइज़ नहीं दिया जाता। इसके भी सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जो डिटेल में बात करते हैं, जैसे लिटरेचर में दिया जाता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, पीस यानी शांति में दिया जाता है, इकोनॉमिक्स, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। तो इन सब में नोबल प्राइज़ दिया जाता है, अगर इसके अलावा कोई और भी ऑप्शन आता है उसमें नहीं दिया जाता भैया, ध्यान रखिएगा। पहले नोबल प्राइज़ की बात करते हैं, किसको दिया गया था, कब दिया गया था, तो 1901 में दिया गया था। किसको? दो बंदों को दिया गया था, हेनरी डुनेंट को दिया गया था जो कि स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं, और दूसरे थे फ्रेडरिक पासी जो कि फ्रांस से थे। और इनको किस चीज़ में दिया गया था भैया? पीस यानी शांति में दिया गया था। तो इंडिया वालों को भी भैया मिला है, सबसे पहले किस इंडियन को मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर जी, हाँ वही हैं जिन्होंने हमारे और बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है। बात करें रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला था, 1913 में, किस चीज़ के लिए? लिटरेचर के लिए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डिवाइस यूज टू ट्रांसमिट डाटा ओवर टेली कम्युनिकेशन लाइन। तो उस डिवाइस का नाम बताना है जो डाटा को ट्रांसमिट करती है, किसमें? टेली कम्युनिकेशन लाइन में। तो ऑप्शन 1 है ड्राइव्स, ड्राइव बेज, मोडम्स और प्लेटफॉर्म्स। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी मोडम्स राइट आंसर हो जाएगा इसका। डिटेल में बात करें, मोडम की फुल फॉर्म पूछी जाती है भैया, इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। एम ओ से बन गया मॉड्यूलेटर, डी ई एम से बन गया डीमॉड्यूलेटर। आपको बता दूं यह इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है, दोनों ही हैं। अब डिटेल में बात करते हैं इनपुट डिवाइस की और आउटपुट डिवाइस की। तो इनपुट डिवाइस कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया। तो भैया कंप्यूटर में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आउटपुट डिवाइसेज की बात करें तो प्रिंटर है, प्लॉटर है, मॉनिटर है और स्पीकर है। प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर ज़्यादा ध्यान रखिएगा भैया, पेपर में पूछे जाते हैं। आपको ऑप्शन में 3 सही दिए जाएंगे, 1 गलती हो जाएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक जो वंश था उसके संस्थापक कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक थे, फिरोज शाह तुगलक, ग्यासुद्दीन तुगलक या हेम तुगलक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ग्यासुद्दीन तुगलक। जी हाँ दोस्तों, यही इनके संस्थापक थे। इन्होंने स्टार्टिंग कब करी थी तुगलक वंश ने? 1320 में करी थी दिल्ली शहर में। बात करें इनका राज्य या साम्राज्य कब खत्म हो गया था? 1413 में। ग्यासुद्दीन तुगलक की बात करें तो इन्होंने एक शहर भी बसाया था, उसका नाम था तुगलकाबाद। और इन्होंने एक लकड़ी का महल बनवा रखा था जिसको ढहने की वजह से भैया इनकी मौत हो गई थी 1325 में। अब एक भैया बाहर का एक नागरिक आया था इबन बतूता, वो किसके शासनकाल में आया था? वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल दिवस है वो कब मनाते हैं हम? 22 मई को, 23 मई को, 24 या 25 मई को? ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि भी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं, तो आपसे पूछ सकता है। वो मनाते हैं दोस्तों 24 मई को। हम इसको भैया पहले एम्पायर डे के नाम से भी जानते थे, जो कि इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1902 में। और हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो क्वीन विक्टोरिया थी उनके जन्मदिन के उपलक्ष में इसे मनाते हैं 24 मई 1902 से। अभी हाल ही में 22वां एडिशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? बर्मिंगम में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में। इसका मोटो क्या था? सभी के लिए खेल, यानी गेम्स फॉर एवरीवन। किस स्टेडियम में हुआ था? अलेक्जेंडर स्टेडियम में। पहले नंबर पर कौन रहा था भैया मेडल टैली में? तो वो रहा था ऑस्ट्रेलिया, जिसने टोटल 178 मेडल जीते थे। अब अपने देश भारत की बात कर लें तो वो था चौथे नंबर पर, काफ़ी भैया कामयाबी हासिल करी थी इस बार इसने। चौथे नंबर पर रहकर इसने 61 मेडल जीते हैं टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF, फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा भैया, नोटबुक में लिख लीजिएगा, RIDF यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इज मेंटेन्ड बाई। तो ये किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? ऑप्शन 1 है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, RBI, SIDBI या NABARD। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? RBI पिक मत कीजिएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, NABARD। जी हाँ दोस्तों, बात करें डिटेल में कब इसकी स्थापना की गई थी, गवर्नमेंट ने की थी 1995 और 1996 के बीच में। अब आप सोच रहे होंगे NABARD क्या है? वैसे तो आप सभी ने सुन रखा होगा, ये एक बैंक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है।
आपको बता दूं आरबीआई का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। ओनर कौन होता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, द मैत्री एक्सप्रेस एंड बंधन एक्सप्रेस ट्रेन्स कनेक्ट इंडिया विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो जो मैत्री और बंधन एक्सप्रेस है वो किस देश के साथ समझौता करती है या कहाँ से कहाँ तक चलती है? भैया म्यांमार तक, पाकिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश। तो आप सभी जानते होंगे मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस के नाम से बांग्लादेश तक जाती हैं। बात करें मैत्री एक्सप्रेस की तो ढाका और कोलकाता के बीच में चलती है। स्टार्टिंग कब हुई थी? 2008 में हुई थी। अगर इनके मतलब की बात करें मैत्री एक्सप्रेस का तो मतलब होता है फ्रेंडशिप यानी दोस्ती। बंधन एक्सप्रेस की बात करें तो कोलकाता से खुलाना के बीच चलती है। खुलाना कहाँ पे है दोस्तों? बांग्लादेश में है। 2017 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। बंधन का मतलब होता है बॉन्डिंग से। कैपिटल क्या है बांग्लादेश की? ढाका है। जिसकी करेंसी क्या है? टका है। पीएम कौन है? यहाँ की शेख हसीना जी हैं, जो कि अभी कुछ ही दिन पहले, एक दो दिन पहले भारत के दौरे पे आई थी 4 दिन के लिए। राष्ट्रपति मुर्मू जी से भी मिली थी, पीएम जी से भी मिलके गई थी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय। तो जो भैया कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा, चार्ल्स बेबेज, पास्कल के द्वारा या मिकली के द्वारा? तो भैया चार्ल्स बेबेज बिल्कुल मत सोचिएगा, इसका ऑप्शन है 1, जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, बात करें डिटेल में, 1945 में की गई थी इसकी बेसिक आर्किटेक्चर। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? ये तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन भैया इससे क्वेश्चन अब पूछना बंद हो गया क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया और बार बार पेपर में आ चुका था पहले, अब बहुत कम आता है। इससे आगे पढ़िए भैया, फुल फॉर्म क्या होती है कंप्यूटर की? वो होती है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन परपजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। अब आप सोच रहे होंगे कंप्यूटर की फुल फॉर्म थोड़ी आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन आपसे ये पूछ सकते हैं कि भैया कंप्यूटर में पी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है, ऐसे शॉर्ट कमांड में पूछ सकते हैं आपसे, आप पूरी याद रखिएगा। URL की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर से। क्वेश्चन नंबर 13 है, नार्कोलेप्सी इज ए डिजीज रिलेटेड टू। तो जो नार्कोलेप्सी रोग है वो किससे संबंधित है? कंपल्सिव स्टीलिंग हैबिट यानी चोरी की आदतों से संबंधित है। फॉरगेटिंग डिसऑर्डर भूलने की बीमारी है। ऑप्शन नंबर सी, फ्रीक्वेंट अटैक्स ऑफ इपिलेप्सी है यानी मिर्गी का बार बार आना है। या ऑप्शन नंबर डी, एक्सेसिव स्लीपिंग डिसऑर्डर यानी आपको बहुत ज़्यादा नींद आना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? नार्कोलेप्सी का मतलब है भैया आपको बहुत ज़्यादा नींद आना, तो ऑप्शन नंबर डी, एक्सेसिव स्लीपिंग डिसऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, अब एक ऐसा ही रोग और है, अल्जाइमर रोग। तो यह किससे संबंधित है? तो इसमें भैया याददाश्त कमजोर हो जाती है, आपको कुछ भी याद नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ इंडिया। तो भारत की मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन हैं? RBI गवर्नर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं या चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा RBI गवर्नर। जी हाँ दोस्तों, डिटेल में बात करें कि MPC यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती क्या है? तो भैया जो भारत में इंटरेस्ट रेट होता है ना उसको फिक्स करती है, और इनका भैया एक रूल है कि साल में आपको 4 मीटिंग तो करनी ही करनी है। RBI के फिलहाल में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं, और इसके 6 मेंबर्स होते हैं। 3 तो लिए जाते हैं भैया RBI से और 3 लिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। MPC की फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। आज के दिन के लास्ट क्वेश्चन की बात करें, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्वेरियन भारत और किसके बीच में आयोजित की जाती है? बांग्लादेश के साथ की जाती है, इंडोनेशिया के साथ, मालदीव के साथ या मलेशिया के साथ? तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, मालदीव के साथ। इसका भी हाल ही में 11वां एडिशन हुआ है। कहाँ पे? मालदीव्स में। कब से कब तक? 6 से 19 दिसंबर के बीच में 2021 में। मालदीव्स की कैपिटल की बात करें, माले है दोस्तों, मेल मत पढ़ लीजिएगा, माले है दोस्तों, MALE माले। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? दिबेही है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं। यह इंडिपेंडेंस कब हुआ था? तो मतलब हम आज़ाद हुए थे 1947 में, ये कब आज़ाद हुआ था? 1965 में। जी हाँ दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें जोर से दोस्तों। और आपको डिटेल दे दूं कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।